नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 50 प्रो 5G वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A35 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एज 50 प्रो 5G में 6.35 इंच जबकि A35 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो एज 50 प्रो 5G में 2.85 इंच जबकि A35 5G में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो एज 50 प्रो 5G में 186 ग्राम जबकि A35 5G में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि एज 50 प्रो 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एज 50 प्रो 5G में POLED जबकि A35 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो एज 50 प्रो 5G में 20:9 जबकि A35 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एज 50 प्रो 5G में 6.7 इंचेस जबकि A35 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन एज 50 प्रो 5G में 1220x2712px FHD+ और A35 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 50 प्रो 5G में 92.85% जबकि A35 5G में 84.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो एज 50 प्रो 5G में 444 पिक्सल प्रति इंच जबकि A35 5G में 390 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो एज 50 प्रो 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और A35 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो एज 50 प्रो 5G में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A35 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो एज 50 प्रो 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और A35 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो एज 50 प्रो 5G में एड्रीनो 720 जबकि A35 5G में माली G68MP5 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एज 50 प्रो 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 और A35 5G में सैमसंग एक्सीनोस 1380 मिलता है। बात करें रैम की तो एज 50 प्रो 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है, जबकि A35 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो एज 50 प्रो 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A35 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो एज 50 प्रो 5G में नहीं है, जबकि A35 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी एज 50 प्रो 5G में 4500 mAh जबकि A35 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो H50 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹30,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹34,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें A35 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹27,769, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹33,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो मोटोरोला H50 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Samsung Galaxy A35 5G की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में H50 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में H50 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Google Pixel 8a 5G है, तीसरा Motorola H50 Fusion 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।